नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ ये मेरी एन अकेडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। दोस्तों, अकेडमी में हमारे साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं एंड सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर दोस्तों, इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि हमारे किसी कंटेंट में किसी एजुकेटर ने कुछ फैक्चुअल इनकंसिस्टेंसी रखी हो या फिर एजुकेटर ने कोई ऐसी बात कही हो जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, फिर वो चाहे भड़काऊ हो या अनकॉल्ड फॉर हो, तो दोस्तों आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट के लिए दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो में आपको मिल जाएगा यूट्यूब में ही। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। तो दोस्तों, IMD ने कहा है लाइटनिंग के वजह से साइक्लोन से भी ज्यादा जान भारत में जा रही है। दोस्तों, ये तो हम जानेंगे ही जानेंगे, पर उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट आज हम एक कंसेप्ट जानने वाले हैं कि भाई बिजली गिरती क्यों है, कहां से बिजली गिरती है। तो अभी आपको बता देता हूं दोस्तों, बादल के टकराने से बिजली नहीं गिरती है, बिजली या फिर लाइटनिंग के अलग कारण है। तो आज हम वो कारण भी समझेंगे और बहुत मजेदार होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप सबसे पहले IMD का ऑब्जर्वेशन देखें तो उन्होंने कहा है कि लाइटनिंग की वजह से 2004 से अब तक हर साल सालाना 2000 लोगों की मौत हो रही है। दोस्तों, 1960s के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये नंबर बढ़ चुका है और लगभग दो गुना से भी ज्यादा बिजली के गिरने से वज्र प्रहार से मौत हुई है। IMD की जो लाइटनिंग रिलेटेड डेथ्स है दोस्तों, उनकी जो रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि अगर हम 1995 से कंपेयर करें तो 2014 तक 30% to 40% इंक्रीज हुआ है लाइटनिंग रिलेटेड डेथ्स में। तो आप देख सकते हैं एक बिजली गिर रही है, एक वज्र प्रहार हो रहा है। पर दोस्तों, इससे पहले हमें समझना है ये लाइटनिंग होती क्यों है, ये बिजली गिरी तो गिरी क्यों, मुझे तो कोई बादल नहीं दिख रहा टकराते हुए, फिर कैसे ये गिरी है, तो आइए उसको आज समझते हैं। तो दोस्तों, लाइटनिंग जिन बादलों से एसोसिएटेड होता है वो होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड या फिर क्यूमुलस क्लाउड्स, यानी वो बादल जिनका एक वर्टिकल एक्सपेंस भी होता है। तो दोस्तों, ये थंडर स्टॉर्म्स के दौरान लाइटनिंग बड़ी कॉमन होती है। तो अगर हम थंडर स्टॉर्म को समझे तो दोस्तों, वो तीन स्टेज में बनते हैं। सबसे पहले जब जमीन गर्म हो रही होती है तो गर्म जमीन के वजह से हवा गर्म होती है और ये गर्म हवा ऊपर की ओर उठने लगती है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अपड्राफ्ट। तो गर्म गर्म हवा ऊपर उठ रही है, एडियाबेटिकली कूल हो रही है और ये बादल बनती जा रही है। और इस दौरान बादल बनना शुरू हुआ, एक क्यूमुलस क्लाउड बनने की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी देर बाद दोस्तों, इसमें इक्विलिब्रियम आता है और अपड्राफ्ट के साथ साथ ठंडी हवा अब नीचे भी गिरनी शुरू होती है, इसको कहते हैं दोस्तों डाउन ड्राफ्ट। तो दोस्तों, जब ये मैच्योर स्टेज ऑफ थंडरस्टॉर्म होता है और इस दौरान लाइटनिंग बहुत कॉमन होता है। तो दोस्तों, आपको यहां पर बता दूं, इसके बाद तीसरा स्टेज जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, जब अपड्राफ्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी अब जमीन गर्म नहीं है तो हवा भी गर्म नहीं हो रही, तो अब गर्म हवा ऊपर नहीं उठ रही, तो अब क्या होगा, मैच्योर स्टेज के बाद डिसिपेशन स्टेज होगा, यानी कि अब बस जो भी डाउन ड्राफ्ट ही होता रहेगा और धीरे धीरे ये बादल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तीन स्टेज में थंडर स्टॉर्म बनते हैं। पर दोस्तों, जब ये क्यूमुलस क्लाउड्स बन रहे होते हैं इस मैच्योर स्टेज में, जैसा आप देखें, तो नीचे से गर्म हवा के साथ वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर आ रहे हैं। ये जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं दोस्तों, ये कुछ फ्रीज भी होते हैं, तो फ्रीज आइस क्रिस्टल्स में भी कन्वर्ट होते हैं। तो और वही अगर आप देखें तो जो हवा नीचे की ओर गिर रही है वो रिलेटिवली थोड़ी ठंडी हवा है, तो वो ठंडी हवा जब गिर रही है दोस्तों, तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगे और थोड़े हेल भी आपको देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, ये वाटर ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल्स जब ऊपर नीचे इस प्रकार से कर रहे होते हैं इस थंडर स्टॉर्म में, तो वो आपस में टकराते हैं। तो जब वाटर ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल हेल स्टोन जब ये आपस में टकरा रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ वैसे ही जैसा आपने बचपन में शायद एक एक्सपेरिमेंट में स्कूल में कभी किया हो, जिसमें आपको याद हो कि आपके पास एक स्केल होता था या कंघी होती थी और उससे आप सर पे ऐसे कंघी करते थे और फिर क्या होता था, आपके बाल कुछ इस प्रकार से सर के, आप देख सकते हैं, ऐसे खड़े हो जाते थे कुछ इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता था, इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चले जाते थे वो नेगेटिव हो जाता था और जिसमें रह जाता था वो पॉजिटिव हो जाता था। आप ऐसे ही पेपर भी खींच सकते थे, आपको शायद याद होगा, आपने बचपन में किया होगा। तो दोस्तों, कुछ वैसा ही इन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स के साथ भी होता है। दोस्तों, ये जो टॉप ऑफ द क्लाउड होता है वो कुछ आइस क्रिस्टल्स में रिच हो जाता है
और दोस्तों ये टॉप ऑफ द क्लाउड्स में जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं उनमें अगर आप देखें तो ये वाटर ड्रॉपलेट से टकराते टाइम ये अपना इलेक्ट्रॉन वाटर ड्रॉपलेट्स को दे चुके हैं। तो टॉप ऑफ द क्लाउड्स में जो आइस क्रिस्टल्स हैं अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो कैसे चार्ज हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज, कॉमन सेंस। और वही दोस्तों जो नीचे में बॉटम ऑफ द क्लाउड में देखे तो कुछ हेल है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो क्या हो गए हैं दोस्तों? ये वाटर ड्रॉपलेट्स इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं तो ये कैसे चार्ज हो जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो क्लाउड का ऊपर वाला पार्ट आप देखो तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नीचे वाला पार्ट आप देखो तो नेगेटिवली चार्ज्ड है। दोस्तों ये अगेन सिंप्लीफाइड डायग्राम है, रियलिटी में और एक मीडियम चार्ज भी मिडिल सेगमेंट में भी रहता है और नीचे भी रहता है, तो उसको हम नहीं समझते। हमारा पर्पस है बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसेप्ट समझना। तो इस वक्त की जो अंडरस्टैंडिंग है आपको सिंप्लीफाइड भाषा में अगर समझे तो बादल में आप अगर देखें तो कंटिन्यूअसली ऊपर कौन जा रहा है? तो आइस क्रिस्टल्स जो जा रहे हैं वो क्या हो गए हैं? कुछ ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, और जो नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं वो क्या है? कुछ नेगेटिवली चार्ज। तो बादल कुछ इस बैटरी की तरह ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, नीचे में नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। बहुत बढ़िया। तो अब बादल में चार्जेस कहां से आए ये तो आप समझ लिए। तो दोस्तों अब पता करते हैं ये लाइटनिंग होती कहां से है। तो लाइटनिंग क्या है? बिजली। तो बिजली कैसे मूव करती है? चार्जेस से। तो चार्जेस अगर आप देखें तो एक तरीका है मूव करने का, वो विद इन दी क्लाउड मूव करे, यानी ऊपर के पॉजिटिव नीचे के नेगेटिव इसी के बीच में चार्जेस मूव करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और वो आपको बिजली के रूप में दिखेगा। तो एक प्रकार है लाइटनिंग का विद इन दी क्लाउड। दूसरा दोस्तों लाइटिंग हो सकता है वो होगा इंटर क्लाउड, यानी एक बादल ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये थोड़ा नीचे का बादल, इसका पॉजिटिव यहां, इसका नेगेटिव यहां, और इस दौरान आप देखें तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे यानी बिजली मूव करेगी, तो आपको बिजली मूव करते हुए दिखेगी। ये कैसी लाइटिंग हुई? इंटर क्लाउड। अब दोस्तों ये मूवमेंट ऑफ एरो को आप कैसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन बदलेगा कैसे भी आप चाहें, तो उसके फिजिक्स में ना जाएं, कंसेप्ट को आई होप आप लोग समझ रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हुआ कॉमन तरीका बिजली बनने का, लेकिन दोस्तों एक तिहाई बिजली जमीन पर भी गिरती है। तो ये कैसे हो रहा है? जमीन पर कैसे बिजली गिर रही है? तो दोस्तों जमीन का क्या चार्ज होता है? दोस्तों जमीन होता है न्यूट्रल, है ना, जमीन इज न्यूट्रल। लेकिन दोस्तों न्यूट्रल यानी पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, नेट बैलेंस बना हुआ है। पर दोस्तों अगर ऊपर में मान लीजिए, इस वक्त भूल जाइए आप कि कुछ चार्जेस हैं, मान लीजिए यहां पर एक मैग्नेट है और जमीन पे बहुत सारी आयरन फाइलिंग मैंने गिरा दी, ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा? ये सारे आयरन फाइलिंग्स को यहां पे, जो भी आयरन फाइलिंग्स हैं, आयरन के छोटे छोटे कण हैं, उसको यहां पर खींच के जमा कर लेगा। कुछ वैसा ही होता है चार्जेस के साथ। तो अगर आसमान में एक बादल जमा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्जेस हैं जिसमें, तो वो क्या करेगा? वो नीचे में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं ग्राउंड में उसको अपने तरफ खींचना चाहेगा। तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जमीन से क्या जो एक रूट के थ्रू एक्यूमुलेट होके मूव करना चाहेंगे? कुछ ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है। ये जो फोटो आपको दिखाई गई है यहां पे बिजली गिरने के ठीक पहले की है। तो यहां पर क्या हुआ है? नेगेटिव चार्ज आसमान में बन चुका है और पॉजिटिव चार्ज मूव करने के लिए कोई रूट ढूंढ रहा है, तो ये लोग हैं, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस इन्हीं के शरीर से मूव करना चाह रहे हैं और इस वजह से इनके जो बाल हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज इस वक्त इकट्ठा हो चुका है, तो इसलिए ऊपर से नेगेटिव चार्ज इन्हें खींच रहा है जिस वजह से इनके बाल ऐसे खड़े हुए आपको दिख रहे हैं। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके हैं। तो नेगेटिव चार्ज ऊपर है इसलिए नीचे में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो देखिए कैसे कैसे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज जमीन से जो भी ऊंचे स्ट्रक्चर हैं उनमें एक्यूमुलेट होता जा रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज दोस्तों, पर दोस्तों ये लाइटनिंग तो ये जो चार्ज मूव कर रहा है तो हवा में मूव कर रहा है। हवा क्या होता है? बैड कंडक्टर है, चार्जेस मूव नहीं कर सकते। पर दोस्तों हवा इंसुलेटर नहीं है। आपने अगर किचन में लाइटर देखा होगा, आपने किचन का लाइटर, तो उसको जलाते हैं तो बिजली कुछ दूर तक जाती हुई दिखती है हवा में ही, यानी हवा में बिजली मूव तो कर पाती है, आपको चिंगारी दिखती है स्पार्क की, या फिर आप दो तार भी करते हो जोड़ते हो तो आपको स्पार्क दिखता है, यानी हवा में बिजली जा सकती है, ज्यादा दूर तक ना जाए।
लेकिन दोस्तों यहां पर जब बात हो रही है तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वजह से ये चार्ज क्या कर रहे हैं, ये हवा के कॉलम को हल्का हल्का आयोनाइज करते जा रहे हैं, और करस्पॉन्डिंगली नीचे से भी ये हवा आप देखें तो आयोनाइज होता जा रहा है, और जैसे ही ये आयोनाइज एयर का एक कॉलम बन जाएगा, यानी यहां से यहां तक एयर कैसा हो गया, आयोनाइज चार्ज्ड, तो उसके थ्रू बिजली मूव कर सकती है, और सारी की सारी पोटेंशियल डिफरेंस यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव इक्विलिब्रियम अटेन करेगी, जीरो अटेन करना चाहेगी, और सारी की सारी चार्ज फ्लो कर जाएगी। आइए इसी को रियलिटी में देखते हैं कैसी दिखती है। ये देखिए क्या हुआ है, चार्जेस देखिए स्लो मोशन में दिख रहा है, चार्जेस मूव करना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं, चाह रहे हैं, चाह रहे हैं, रास्ता बनाया और कंप्लीट हुआ सर्किट, और यहां से फिर देखिए सारी की सारी बिजली फ्लो करती हुई आपको दिख रही है। वापस से देखिए इसी को स्लो मोशन में, ये देखिए ऊपर आसमान में नेगेटिव है, जमीन पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो चुका है, रास्ता ढूंढ रहा है, कंप्लीट सर्किट बने, आयोनाइज एयर का एक कॉलम बने, बन गया आयोनाइज एयर का कॉलम, ये देखिए सारी की सारी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए, बिजली फ्लो हुई और आपको लाइटनिंग दिखी। तो दोस्तों इसके साथ आप ये तो समझ गए लाइटनिंग कैसे होती है, पर यहां पर और एक सवाल उठता है, सर आवाज कहां से आती है, जो बादल गरजते हैं वो आवाज कहां से आ रही है। तो दोस्तों बादल के गरजने की आवाज की एक कैरेक्टरिस्टिक है, अगर आप इसको ध्यान से सुने, फिर से सुनिएगा, एक मेन साउंड आता है बड़ा साउंड, और उसके बाद कंटिन्यूअस क्रैकिंग साउंड टक डक 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 करके आता जाता है। फिर से सुनिए इसको, क्रैकिंग साउंड। तो दोस्तों अगर आप ये साउंड देखें तो ये कहां से आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी याद रखिएगा, मेन साउंड और फिर रंबलिंग साउंड उसके बाद आता है, इनिशियल क्रैकिंग साउंड उसके बाद रंबलिंग साउंड आता है। तो दोस्तों ये कैसे आ रहा है, तो दोस्तों जब बिजली गिरती है तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा हीट, कितनी ज्यादा एनर्जी उससे निकल रही है। तो दोस्तों अगर हम हवा की बात करें उस बिजली के दौरान, आप अगर देखें तो 30,000 डिग्री तक हवा का टेम्परेचर हो जाता है। दोस्तों ये टेम्परेचर सन से 5 गुना ज्यादा है, सन के सरफेस से, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है, अचानक से विद इन फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वो बिजली निकली है, तो इतना टेम्परेचर अटेन हो रहा है, तो अचानक से एयर कॉलम गर्म होता है, गर्म होगा तो अचानक से एक्सपैंड करेगा, जैसे ही वो सडन एक्सपेंशन होता है तो आपको मेन आवाज सुनाई देती है, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, थोड़ी देर में हवा वापस ठंडा हो जाता है, आसपास का एयर कॉलम तो ठंडा ही है तो उसको तुरंत ठंडा कर देता है, तो इस दौरान वो एयर वापस से श्रिंक करता है, और इस दौरान वो कंटिन्यूअसली एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सपैंड एंड वाइब्रेट करते हैं, एक्सपैंड श्रिंक वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, जिस वजह से आपको रंबलिंग साउंड सुनाई देता है। तो हीटेड एयर एक्सपैंड करता है एक्सक्लूसिवली, जिस वजह से आपको मेन इनिशियल क्रैक साउंड आती है और उसके बाद रंबलिंग साउंड जो कि एयर पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से सुनाई देती है। तो आई होप आपको अब यह भी समझ आ गया थंडर कैसे हो रही है, लाइटनिंग कैसे हो रही है। तो इसके बाद दोस्तों आइए आईएमडी के कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो आईएमडी का कहना है दोस्तों 1968 में ऑन एन एवरेज लाइटनिंग से देश भर में 1,000 लोगों की मौत होती थी, 2019 में अगर आप देखें तो ये 2,500 हो चुकी है ये संख्या, और ये डेथ्स अगर हम देखें दोस्तों उन इलाकों में जहां कभी फॉरेस्ट कवर था, कभी ट्री कवर था, अब जहां पर रिड्यूस हो गया है वहां पर लाइटनिंग डेथ्स बढ़ चुकी हैं। तो इसके पीछे कारण है दोस्तों, अगर ट्रीज हुआ करते थे तो वो सारे के सारे चार्जेस कहां एक्यूमुलेट होते थे, उन पेड़ों पर होते थे, पर अब पेड़ नहीं है तो लोग खुले फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उन बच्चों की तरह वो चार्जेस भी उन बच्चे, और ये शायद बच्चे नहीं है युवा व्यक्ति हैं, तो इन्हीं के ऊपर जो चार्ज जमा हो चुका है, तो वैसे ही खेत में भी जो काम कर रहे हैं अब चार्ज उन्हीं के ऊपर जमा हो रहा है, और इसलिए बिजली पेड़ जो कि ऊंचा होता है, जिस पर चार्ज एक्यूमुलेट होता है, जिस पर बिजली गिरती, उस पर गिरने के बजाय इन लोगों पर गिर जा रही है। तो दोस्तों ये बहुत मेजर कारण है आईएमडी का कहना है, जिस वजह से लाइटनिंग रिलेटेड डेथ्स बढ़ रही हैं। इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो आईएमडी वैसे लाइटनिंग के लिए वार्निंग प्रेडिक्ट करती है, देखिए 1 जुलाई का है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले का ही है ये, आज का लाइटनिंग का ये डेटा है, तो रियल टाइम आईएमडी प्रेडिक्शन देती है कहां पे लाइटनिंग होने वाली है, कहां लाइटनिंग हो रही है, तो आईएमडी वार्निंग भी इशू करती है कहां पर लाइटनिंग हो रही है, कहां पर वार्निंग है, लाइटनिंग का खतरा है, वो वार्निंग भी इशू करती है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि लाइटनिंग बड़ी ही लोकलाइज फिनोमिना है, जिस वजह से ये लास्ट माइल लोगों तक वार्निंग टाइमली पहुंच नहीं पाती है,
और ये बड़ा मुश्किल भी है क्योंकि लास्ट मोमेंट वो वार्निंग नहीं जा पाता है, जिस वजह से आईएमडी कह रही है कि वार्निंग्स को हमें इंप्रूव करना होगा। इसके सिवा दोस्तों अगर हम देखें तो लाइटनिंग का क्लाइमेट चेंज से भी रिश्ता निकलता जा रहा है, तो उसको भी समझेंगे। पर उससे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं, लाइटनिंग से मोबाइल एंड टीवी कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब लाइटनिंग निकलती है तो बिजली गिर रही है, बिजली है तो साथ में उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो आसपास बहुत हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर उत्पन्न होगा तो आसपास कोई भी केबल्स हैं जिनमें बिजली जा रही है या डेटा केबल है, तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल एंड डेटा कम्युनिकेशन का केबल है तो उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेरेंस होगा और इस दौरान वो इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। तो यही कारण है दोस्तों लाइटनिंग से टीवी कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन भी डिसरप्ट हो जाता है। इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देखें तो ऐसा माना जा रहा है लाइटनिंग केसेस ग्लोबली बढ़ते जा रहे हैं, और आर्कटिक रीजन अगर हम देखें तो वहां पर ये थ्रेट बहुत ज्यादा है। अगर अलास्का यूएसए का आर्कटिक रीजन का जो अलास्का वाला पार्ट है आप देखें कनाडा और रशिया के बीच में, तो वहां पर आप अगर देखें तो लाइटनिंग की जो समर टाइम लाइटनिंग अगर आप देखें तो अलास्का में 2010 में 35,000 लाइटनिंग देखने मिलती थी, वहीं 2020 में 6 गुना बढ़ चुकी है और अब 2,40,000 लाइटनिंग देखने मिल रही है। तो इसके पीछे क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो यूज द कोड KC10 एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि इस कोड को यूज करने पे मैं आपको डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाला हूं एंड हैंड होल्डिंग भी करने वाला हूं। इसके सिवा दोस्तों आपको बेस्ट नोट्स भी मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। इसके सिवा दोस्तों आपको UPSC टेस्ट सीरीज भी अन अकेडमी में उपलब्ध है, 50 प्रीलिम्स टेस्ट हैं, 30 मेंस के टेस्ट हैं। महा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी दोस्तों हमारे पास था, तो आई होप आपने उसका फायदा भी उठाया हो। लोन्स भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, और हम फिजिकल बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं आइकनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन है, उनकी जो कॉस्ट है दोस्तों आप अगर देखें 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 64,800 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इस कोड का इस्तेमाल करें तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। वहीं आइकनिक दोस्तों उनकी 2 साल की कॉस्ट है 104,175 रुपए, तो KC10 कोड का इसमें भी इस्तेमाल करें। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की दोस्तों कॉस्ट है 1 साल की 24,750 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, कल ही स्टार्ट हुए हैं, आने वाले दिनों में भी नए बैचेस आने वाले हैं। तो दोस्तों ये आइडियल टाइम है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का, फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसका उपयोग करें KC10 कोड से, उसमें लॉग इन करें और सब्सक्रिप्शन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।